أنا رفيق. ये रफी ठीक है और मुजाहिद हाँ मुजाहिद ठीक है। तो ये पाँच पाँच मिनट में अपनी बात करती है और सीन से बोल सलमान है हिंदुस्तानी मजाहिब के दरमियान मुश्तरक अखबार इस्लाम तालव इला कलमत वाहिदा के जरिए दावत इत्तेहाद देते हैं, लेकिन ये कलिमे सवा इस्लाम में मकसूद नहीं है, मकसूद तक पहुंचने के लिए जीना है। इस लिहाज से हिंदुस्तान में मजाहिब जो मशहूर हैं जैसे हजरत अजीज किया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक इस लफ्ज हिंदू की इस्लाह उसमें बहुत है, वैसे हमेशा होती रही है, जिन्हें उससे एतराज रहा है कि उनके लिए लफ्ज़ वैदिक इस्तेमाल किया जाए, सनातन धर्म इस्तेमाल किया जाए जो उन पर मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कौमें हैं जो अपने आप को हिंदू कहने से इनकार करती हैं और हिंदुस्तान में मौजूद कौमों की तादाद का भी एक अहाता 6733 के जरिए मुफ्ती अशरफ साहब ने अपनी किताब में नकल किया। तौहीद पर तकरीबन देहरियों को छोड़कर सभी मुत्तफ़िक हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट तौहीद को तो नहीं मानते, वो तौहीद की जगह अपने देवता महात्म गौतम बुद्ध को उन्होंने बिठा दिया। इस्लाम ने ज़ात और सिफात इन दोनों को खुदा के साथ ही खास रखा। दीगर कौमें जो दूर होती चली गई या शिर्क में आती चली गई, उन्होंने ज़ात में तमाम मजहब का इत्तेहाद है, तमाम मजाहिब में ज़ात के ताल्लुक से अल्लाह ही के साथ ज़ात का पहलू खास है, अलबत्ता वो सिफात में अल्लाह के साथ साथ दीगर लोगों को शामिल करते रहे। और इस्लाम ने ज़ात और सिफात उन दोनों में सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ही इन चीज़ों को खास रखा है। दूसरा पहलू जिसमें मुत्तफिक हो सकते हैं मुश्तरक अकदार है वो है रिसालत। रिसालत का अकीदा भी तमाम मजहबों में मजाहिब में मौजूद है, ये इन दोनों में तो है, ईसाइत और यहूदियत में तो वाज़े हैं मिसाल और अपने अपने नबी के मुद्दई हैं। तीसरे नंबर पर वैदिक है जिसे आमतौर पर हिंदुइज्म कह दिया जाता है, उनके यहाँ पर भी है। बाज़ संस्कृत के जानने वाले जो चतुर्वेदी हजरात हैं वो नकल करते हैं कि वेद के अंदर कहीं पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अमिताभ, तो ये उस संस्कृत की जबान के लिहाज से सिराजम मुनीरा की तशरीह है। तो वो अमिताभ का जब अकीदा रखते हैं जिसकी रोशनी बहुत फैली हुई हो, और यही कुरान करीम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आया कि अल्लाह की तालीम को पहुंचाने के लिए जो वास्ता चाहिए उसके लिए जो गुरु होगा उसे वो रसूल मानते हैं, तो इस सिलसिले में भी ये मजहब भी इस दरमियान मुश्तरक है। लेकिन हिंदुइज्म के यहाँ या वैदिक धर्म के अंदर यह हुआ कि रसूलों की जगह पर उन्हें ही खुदा के तौर पर वो पूजने लगे। तीसरा एक अहम अकीदा जो है माद का है, आखिरत का है। यहूदियत के यहाँ तो जन्नत जहन्नम बिल्कुल वाज़े है, ईसाइत के यहाँ वाज़े है, इसके अलावा ये जो मजहब है वैदिक सनातन हिंदुइज्म धर्म इनके यहाँ पर भी है, अलबत्ता इनके यहाँ पर आखिरत का अकीदा आमाल की बुनियाद पर है। इनके यहाँ आखिरत का अकीदा बल्कि माद का अकीदा आमाल की बुनियाद पर है, जिसके जैसे आमाल होंगे उसका पुनर्जन्म होगा, तो कोई घोड़ा कोई बिल्ली कोई कुत्ता और अलग अलग लिहाज से उनका यह तस्वुर आ गया, और तो गोया दुनिया के ख़त्म होने और फिर से आने का पहलू मौजूद है स्वर्ग के अंदाज में भी। और अखलाकियात में तमाम मजाही मुश्तरक हैं, ख़ासतौर पर बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट जो है ये मसावात इंसाफ मवाक़े और अमन में वो अच्छी तरीके से मुश्तरक हैं। और वैदिक धर्म और हिंदुइज़्म के अंदर अखलाकियात जो है वो है तो, लेकिन वो ज़ात की बुनियाद पर है। कोई आला ज़ात में पैदा हुआ तो गोया कोई ब्राह्मण धर्म में है तो वो हलवा खाए, और जो SC ST नीचे तबके का है वो दूसरों की गंदगियाँ उठाए। उनके यहाँ पर भीख मांगना ये सवाब का हिस्सा शुमार किया गया, इसलिए अखलाकियात में उनका फ़र्क है, लेकिन इस्लाम ने इसको बहुत आला रखा है।
लेकिन हर सूरत इंसाफ के ताल्लुक से, मसावात के ताल्लुक से, गरीबों की हमदर्दी के ताल्लुक से और हुकूक के ताल्लुक से और सियासी तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके दरमियान ये तमाम मज़ाहिब अक्सर मुश्तरक होते हैं। आपने शुरू में एक बात कही, कलिमत सवाल जो है इतिहास नहीं है बल्कि एक दीना ये असल में मुतफिक हैं इससे, इसलिए कि नस से इस्तदलाल किया है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? दीजिए मौना को दीजिए उधर दाहिनी तरफ। हाँ आप ही कर, आप ही कर, खड़े होकर मौ तालिबे है आपने साथ पेश किया उसकी कोई दलील है? तो आपने शुरू में भी जो टॉपिक के लिए कलिमात वाहिदा जो आपने कहा जी कहाँ से लिया है? अपने तफसीर से आपकी खुद की या कहीं से लिया है? ऐसे इसको हम आगे चलाएं अगर नहीं अभी तो ये इस ग्रुप में जो मौजूद थे हमारे सरपरस्त मुफ्ती अशरफ साहब ये ग्रुप के डिस्कशन के बाद नतीजा मुश्तरक तौर पर लिखा है। अरबी का एक जुमला मान है आपने जो ये कहा कि इसारत के ऊपर हम मुतहद हो सकते हैं चलिए यहूदी के अंदर ईसाइयों के अंदर तो है, लेकिन मेरी धर्म की जब बात आती है तो उसमें ये बात करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भविष्य पुराण है उसमें कल के अवतार के बारे में पूरी बात आई और वो सारी की सारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होती, लेकिन दूसरे जो हैं अवतार उनको हम कह रहे हैं उनके रसूल होने के बारे में कोई अपनी बात तो है नहीं। ऐसी सूरत के अंदर अगर उनको रसूल मानते हैं तो क्या दलील है कुछ ऐसी जिसके हम मान लें उनको या फिर कड़ी चलाई बात करें? नहीं, उनके जो कई बड़े नाम हैं जिनके ताल्लुक से अपने यहाँ खुद पहले इस्लाम में भी जिनमें से कई को इस गुमान के साथ नकल तो किया गया है कि जिनके बारे में यकीन ही नहीं कह सकते, लेकिन उनके बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि राम फला थे या फला हो। जैसे संस्कृत का ये लफ्ज है, संस्कृत हिंदी के अंदर संस्कृत के बहुत सारे लफ्ज हैं, उसमें से भगवान एक लफ्ज संस्कृत का जी उसकी संधि विच्छेद करते हैं तो भाग्यवान है, भाग्यवान यानी भाग्यशाली खुश नसीब और अच्छे लोग वो आगे जाकर भगवान बन गया, तो ये तो उन्होंने खुदा का दर्जा उनको दे दिया, लेकिन उनके मुताबिक रसूल होने की बात जो कही जा रही है कोई मुनासिब मालूम नहीं होती। और तारीखी क्योंकि हम पहले हिंदू का जो मजमा है अगर हमारी जबान की ऐसी बात चलने लगी तो इसी सूरत के अंदर कुछ उनके जो सुखुक और सुखात मौलाना या गुरु मौलाना के गुरु का कोई आदमी है जो जवाब दे? मैं ये नहीं है कि उनको रसूल मान के हम भी माने, बल्कि रसूल और मैसेंजर दूध का तसव्वुर मौजूद है। अब उस दूध को खुदा बना लिया उन्होंने उसके परस्ती चालू पड़ती एक दूसरी बात हो जाती है। इस नुक्ते पर वो इस्लामी तसव्वुर से जुड़े हुए हैं कि दूध और खुदा का पैगंबर वो तसव्वुर इस नुक्ते को लेकर के बहस करेंगे कि खुदा के दूध के तो ये पूजनीय कहते हो गए और यहाँ उनको इनकार करेंगे उनको रोकेंगे पूजो मत इनको कही कि हिंदुज्म मैंने कहा था कि हिंदुज्म नहीं बोलना और सबसे मैं कहता हूँ लफ्ज हिंदू कहीं भी किसी भी तहरीर में किसी तकरीर में कोई ना बोला है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है इस्लाम को, मुसलमानों को, इस्लाम के दुश्मन को तकलीफ फराहम करता है। 1858 में जब इस मुल्क के अंदर मजहब की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन शुरू की अंग्रेज़ों ने शुरू कराई तो एक बड़े जिम्मेदार नाम नहीं होगा, उन्होंने कहा कि हमको इस नाम के साथ ना लिखा जाए क्योंकि ये मुगलों के जरिए दी गई गाली है और ये गाली हम पर ना फिट की जाए। चुनांचे उनको वैदिक और आर्यन के नाम से रजिस्टर किया गया उस वक्त। फिर 1885 से लेकर 1895 तक यहाँ पुणे में एक मीटिंग हुई, इसमें भी बहुत बड़े शख्स के उनके नाम से बहुत से स्टेशन मुफ्ती अशरफ साहब ये तो जो है बहस हो गई हिंदुज़्म के तहत जो हमारा उमान था पकाए वहाँ की जो बुनियादें हैं उस पर जो है उसको इसके पॉइंट दो तो इन्होंने लिखे, बाकी जो है हम मजहब की तरफ चले। अच्छा एक चीज़ भूल जाऊँ, पहले नशस्त में हम जो है पहले जो नशस्त हुई और मौलाना मोहम्मद उमर साहब ने अहमद शर्वी साहब का नाम और मसीहत और कादियानियत और
इस्तेमाल करते हैं तो 6000